हमारे दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में समात फरमाएं। मनी बंदा शर्म सारम तू रहम कुल रहीमा दर फिसत बेशुमारम तू रहम कुल रहीमा। कहना है कि मन बंदा शर्म सारम तू रहम कुल रहीमा दर फिसत बेशुमारम तू रहम कुन रहीमा मन सा दिए सिफायम बर दीने मुस्तफायम हरदम हबीबा खानम तू रहम कुन रहीमा हरदम हबीबा खानम हरदम हबीबा खानम तू रहम कुन रहीमा। शाफाए महशर इमामुल अंबिया का वास्ता फाताहे खैबर अली शेरे खुदा का वास्ता कामयाबी दोनों आलम की अता कर दे हमें ऐ मेरे मालिक शहीदे करबला का वास्ता ऐ मेरे मालिक शहीदे करबला का वास्ता ऐ मेरे मालिक शहीदे करबला का वास्ता। लेकिन चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया। कहना है कि चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। मैं घर से पढ़ के निकल आया आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया और अपने घर की हिफाजत छोड़ाया। क्योंकि सर अपना झुकाते हैं जो माबूद के आगे सर अपना झुकाते हैं जो माबूद के आगे झुकता नहीं वो सर किसी मर्दूद के आगे। आतिश में खलीलुल्लाह को डाला गया फिर भी सजदा ना किया आपने नमरूद के आगे सजदा ना किया आगे। बेशक आतिश में खलीलुल्लाह को डाला गया फिर भी सजदा ना किया अपने नमरूद के आगे। मैं कहीं भी रहूं हर एक जगह सुनता है बेशक मेरा अल्लाह मेरे दिल की सदा सुनता है। कहना है कि मैं कहीं भी रहूं हर एक जगह सुनता है मेरा अल्लाह मेरे दिल की सदा सुनता है। तजुर्बा हमने किया है ये परेशानी में जब कोई भी नहीं सुनता तो खुदा सुनता है जब कोई भी नहीं सुनता तो खुदा सुनता है जब कोई भी नहीं सुनता तो खुदा सुनता है। हर चीज देगा गैब से फरियाद तो करो ऐ मोमिना वैसे ही उठा के रखते थे ऐ मोमिनो हर चीज देगा गैब से फरियाद तो करो दिल से खुदाए पाकी को हेलो तुम याद तो करो। कहना है कि हर चीज देगा गैब से फरियाद तो करो दिल से खुदाए पाक को तुम याद तो करो। चमकेगा नूर चेहरे पर ईमान है मेरा लेकिन मस्जिद खुदा के सजदों से आबाद तो करो मस्जिद खुदा के सजदों से आबाद तो करो। बेशक चमकेगा नूर चेहरे पर ईमान है मेरा
मस्जिद खुदा के सजदों से आबाद तो करो। दोस्तों नात रसूल पेश कर रहा हूं, उससे कबल चंद शेर समाप्त फरमाएंगे। मुस्तफा से बढ़ के कोई खल्क में अकरम नहीं, ऐ मोमिनो मुस्तफा से बढ़ के कोई खल्क में अकरम नहीं, अंबिया तो और भी है आपसे आजम नहीं। कहना है कि मुस्तफा से बढ़ के कोई खल्क में अकरम नहीं, अंबिया तो और भी है आपसे आजम नहीं, आपके सदके में रब ने कुल जहां पैदा किए, गरना होते आप तो होता कोई आलम नहीं। गरना होते आप तो होता कोई आलम नहीं, बेशक गरना होते आप तो होता कोई आलम नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, किस जगह पर नहीं कायम है हुकूमत उनकी, अर्श उनका है सभी उनकी है जन्नत उनकी। बेशक किस जगह पर नहीं कायम है हुकूमत उनकी, अर्श उनका है जमी उनकी है जन्नत उनकी, अजमते सरवरे कौनैन कोई क्या जाने, सिर्फ अल्लाह को मालूम है अजमत उनकी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है, मालूम है अजमत उनकी। बेशक अजमत सरवरे कौनैन कोई क्या जाने, सिर्फ अल्लाह को मालूम है अजमत उनकी। नात रसूल का मतला पेश कर रहा हूँ, तमाम गुलामा ने रसूल से तवज्जो। आए नबी रसूल तो दुनिया में बेहिसाब, आए नबी रसूल तो दुनिया में बेहिसाब, आए नबी पाक पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, हो सकता है कोई लम्हा कबूल हो जाए। अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहा हूं, जिनके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया, सरकार ना होते तो कुछ ना होता। आए नबी रसूल तो दुनिया में बेहिसाब, 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 पाया नहीं किसी ने भी महबूब का खिताब। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मुखिया जी तवज्जो चाहूंगा, सुल्तान साहब और तमाम गुलामा ने रसूल एक बार हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसा मेरे आंगन में दफीना निकला जिसमें अल्लाह की रहमत का खजीना निकला, जिसने इश्के शहे कौनैन बसाया दिल में, उसका दिल चीर के देखा तो मदीना निकला। आए नबी रसूल तो दुनिया में बेहिसाब, 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 पाया नहीं, पाया नहीं
सरकार के नाम का सबका 100 रुपए भाई की जाने से इनायत हुए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह सरकार के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। इश्क़े नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। कम मत करना भाई आवाज मेरी, कहना है कि इश्क़े नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, यादे नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। हजरत ईसा की ठोकर से बोल उठे मुर्दे, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। कितना बुलंद बाला है रुतबा रसूल का, कितना बुलंद बाला है रुतबा रसूल का, कितना बुलंद बाला है रुतबा रसूल का, और यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, कितना बुलंद बाला है रुतबा रसूल का, यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, यानी खुदा पाक है शैदा रसूल का, कितनी अजीम शान है रब के हबीब की, कितनी अजीम शान है रब के हबीब की, कितनी अजीम शान है रब के हबीब की, या रसूल अल्लाह जवाब कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो महताब नहीं है, वो आफताब नहीं। मुखिया जी, और भाई का नाम क्या है? मैं नाम नहीं जानता। शाहनूर साहब, ये भाई शाहनूर साहब आपका नाम है? मुखिया जी माशाल्लाह, अल्लाह और बड़ा पद अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। और पहले से भी एक मुखिया बैठे हैं, सुल्तान साहब, कहना है कि वो महताब नहीं है, वो आफताब नहीं, वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। वो महताब नहीं है, वो आफताब नहीं, वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। जवाब रब ने बनाया नहीं मोहम्मद का, सरापा नूर है, उनका कोई जवाब नहीं। कि या रसूल अल्लाह, सदका रसूल पाक का कुल कायनात है, सदका रसूल पाक का कुल कायनात है, सदका रसूल पाक का कुल कायनात है। ये जो तमाम कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, मेरे नबी के वसीले से पैदा किया, बेशक अल्लाह के रसूल के सदके में तमाम कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। समा फरमाए, जो कुछ मिला है सदका है खैरुल बरा का है, ऐसा ये हम पे शाफाए रोजे जजा का है, कुरान दे रहा है गवाही है, मोमिनो अल्लाह के बाद रुतबा मेरे मुस्तफा का है। सदका रसूल पाक का कुल कायनात है, सदका रसूल पाक का कुल कायनात है, खुदा के बाद मोहम्मद की जात है। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब।
तवज्जो तमाम गुलामाने रसूल है, हाथ उठाकर बताएं कितने गुलामाने रसूल है इस महफिल में। और सभी है मैं जानता हूँ, क्योंकि हम सब मोमिन हैं, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं, औलिया इकराम के चाहने वाले हैं। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चों ने हौसला बढ़ाया, अल्लाह इन बच्चों की उम्र में दराजी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। इस महफिल में ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने सरकारे दो आलम के रोजे का दीदार किया है, कोई भी जिन्होंने उमरा किया है या हज किया है, ऐसे कोई महफिल में है या नहीं? हाथ उठाकर बताएं अगर किसी ने उमरा या हज किया हो। किसी ने नहीं किया है। अल्लाह दौलत से नवाजे, मैं दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मोमिन को सरकारे दो आलम के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उसने ऐसे दीदार किया जैसे हयात जिंदगी में दीदार किया, उसकी शफात मुझ पर वाजिब हुई। अगर दोस्तों अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो हर मोमिन को जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मकबूल करेगा, सरकार का बुलावा जरूर आएगा, क्योंकि जिसे सरकार बुलाते हैं वही जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, ये हौसला अफजाई का शुक्रगुजार हूँ। तो किया जी।